हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक यूनिक चीज़ बनाएंगे और वो यूनिक चीज़ है ये, जैसे कि आप वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको लेना क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपके घर पर रोल वगैरह पड़े होंगे, जैसे कि हम जब नोट्स या बुक्स में रैप करते हैं, कवर करते हैं उनको, तो इस तरह के रोल निकलते हैं। तो ये रोल आपको लेना है और इन रोल को क्या करना है, इस पर POP का हमें बेस लगाना है। तो एक बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में मैंने यहाँ पर POP और पानी को मिक्स किया हुआ है। मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, आपको अब ये हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से ये आराम आराम से इस पर POP का लेप लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग छोड़कर इस तरह से ब्लॉक्स बना बना कर POP को लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फिनिश कर दिया, जिससे कि ये बैम्बू का प्रॉपर शेप लगने लगे। तो ये इस तरह से लगाते गए और मैंने उन सभी को फिनिश किया। तो ये सारे जो भी रोल थे उनमें POP लग चुकी है। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। आफ्टर ड्राई अब क्या करेंगे, हम इसमें एक्रेलिक कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कलर यूज़ किए हैं वो है लेमन येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट कलर भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लेमन येलो कलर। तो इस तरह से आपको लेमन येलो कलर का एक लेयर कर लेनी है, और अगर आप चाहें तो साथ साथ में ग्रीन और येलो दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डार्क टोन देने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर भी लिया। ये जो ग्रीन कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, यह है सैप ग्रीन कलर। तो आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से मैंने सिर्फ शेडेड कलर ही किए हैं, जिससे कि येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन सारे कलर दिखें। इसके बाद वाइट कलर से जो हमने POP बनाई थी वहाँ पर हमें वाइट कलर अप्लाई करना है राउंड वे में। तो इस तरह से हम यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं। जितने भी जो हमने ब्लॉक्स बनाए सभी ब्लॉक्स में हम वाइट कलर को अप्लाई कर लेंगे। वो बाकी के जो बैम्बू हमने बनाए हैं उसमें भी हमने वाइट कलर यूज़ कर लिया और थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का टच दिखाया है। अब क्या करना है, हमें लेनी है एक ड्राइंग शीट। अगर आपके पास ग्रीन कलर का चार्ट पेपर है डार्क ग्रीन शेड में तो वो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास ग्रीन चार्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग शीट ली है, जिस पर दोनों साइड हमें क्या करना है, ग्रीन और येलो कलर करना है। आपको एकदम फ्लैट कलर नहीं करना है, पैचेस वर्क ही करना है, ठीक है। तो ये जो हम कलर कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, जो बैम्बू की हमें लीव्स बनानी है उसके लिए हम ये कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पेज लिए हैं जिस पर दोनों साइड ही मैंने ग्रीन और येलो कलर को किया हुआ है। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास है ग्रीन चार्ट पेपर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब ये पेपर दोनों अच्छे से सूख गए, ड्राई हो गए, तब इस पर क्या किया मैंने, जो हमारी लीव्स हैं उनकी डिज़ाइन बनाई, और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर उस पर मैंने कटिंग की। और अगर आपको मेरा ये क्रिएटिव वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो कितनी मेहनत लगती है, ये 7-8 घंटे का वीडियो मैं आपको सिर्फ 6-7 मिनट में दिखा रही हूँ, और ये तो कचड़ा सिर्फ आधा है, बहुत सारा कचड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली लीप्स की मैंने कटिंग भी कर ली है, और अब इसको क्या करेंगे, हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर ये जो एक झाड़ू होती है ना सीक वाली, उस झाड़ू से सीक से मैं यहाँ पर इसको चिपका रही हूँ। और जो हॉट ग्लू है ना वो मैं लीप्स पर भी लगाती जा रही हूँ, एक एक पत्ती पर, जिससे कि ये जो कागज़ की पत्तियाँ जो बनाई हैं वो बैंड ना हो, स्ट्रेट बनी रहे। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ हम सारी लीव्स में करते जा रहे हैं। तो ये सारी लीव्स कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद टाइम आता है इस बैम्बू में इसको लगाने का। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे बैम्बू में ये लीव्स लगानी है मैं वहाँ वहाँ लीव्स लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये लीव्स इस टाइम लग चुकी हैं। अब क्या करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो झाड़ू का यूज़ किया था उसके लिए कुछ फूल रह गए थे, तो इन फूलों पर मैंने ग्रीन कलर कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बालू के कुछ स्टोन्स बड़े बड़े लिए हुए हैं, और साथ में ये कि प्लास्टिक मग लिया हुआ है। इस पर मैंने गोल्डन स्प्रे कलर किया है
अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। वैसे तो ये जो डिब्बा है ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि जो बड़ा डिब्बा था वो टूटा हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर छोटे ही डिब्बे का यूज़ किया। अंदर साइड मैंने स्प्रे बर्बाद नहीं की है फालतू में, क्योंकि वो दिखना है नहीं। और अगर आपके पास ये स्टोन नहीं है तो उस कंडीशन में आप बालू या मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमने बैम्बूज बनाए हैं इन बैम्बूज को अच्छे से स्टेबल करने के लिए बालू मिट्टी या फिर आप इन स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे मैंने एक एक बैम्बू को लगाया है और उस पर फिर ये स्टोन्स फिट किए हैं, जिससे कि ये अच्छे से सदे रहे, बैलेंस बना रहे। इसके बाद हमने जो अपनी फूल झाड़ू के फूल से जो ग्रास बनाई है, उस ग्रास को मैं चारों साइड बॉक्स के लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि ये ग्रास का भी लुक देगा, और बेसिकली जहाँ पर बैम्बूज वगैरह होते हैं वहाँ फ्लावर्स तो मैंने कभी देखे नहीं है, मैंने ग्रास ही देखी है। तो मैं यहाँ पर ग्रास का लुक यहाँ पर दे रही हूँ। तो ये जो हमारा बैम्बूज ट्री है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर लीव्स मुझे कुछ कम लग रहे थे तो मैंने बाद में और ऐड किए हुए हैं, और आप भी चाहें तो इस तरह से क्रिएटिव वर्क ये कर सकते हैं। आपके घर के किसी भी कॉर्नर पॉइंट को ये बहुत ही सुंदर डेकोरेट करने वाला है। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपके पास इतने बड़े साइज के रोल नहीं है तो आप दो रोल को ज्वाइंट कर सकते हैं पेपर टेप की हेल्प से। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।